नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें तो बढ़ी, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। सत्ता की रेस में पिछड़े कांग्रेस के नेताओं की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई, और खंभा है नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस के जयराम रमेश जैसे नेता एक नया टैग निकाल कर लाए, वन थर्ड प्राइम मिनिस्टर। सोते जागते उठते बैठते प्रधानमंत्री मोदी को एक तिहाई पीएम बता रहे हैं। अब रमेश बाबू बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के नेता भी यही शब्द बार बार दोहरा रहे होंगे। असल में विपक्ष हर रोज मोदी को निशाना बनाने का एक नया तरीका तलाश लेता है। वैसे विपक्ष होने के नाते ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि एनडीए की जीत क्या पीएम मोदी की हार है, जैसा कि विपक्ष साबित करने में जुटा हुआ। पीएम पर एक तिहाई वाले वार के जरिए विपक्ष साबित करना चाहता है कि मोदी सरकार के पास मैंडेट नहीं, बहुमत नहीं है। लेकिन आईआईटी से पढ़े जयराम रमेश का गणित कितना गड़बड़ है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। एनडीए ने लिखकर दे दिया है कि उसके पास 303 सांसद हैं और 542 का एक तिहाई 180 होता है, 303 नहीं। अगर एनडीए के 103 सांसदों के आंकड़े को पीछे भी छोड़ दें तो भी बीजेपी के खुद के 240 सांसद हैं। एक तिहाई के आंकड़े से बहुमत बहुत बहुत ज्यादा होता है। फिर पीएम मोदी कैसे एक तिहाई पीएम हो गए? इंडी गठबंधन खुद बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि उसकी सरकार अब बनी कि तब बनी। जरा सुनिए। वो व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक अधिकार खोने के लिए जनादेश, प्रचंड जनादेश उनके खिलाफ, उन्होंने जनादेश उनके नाम पर मांगा, वो जनादेश नहीं मांगा, तो कैसे प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण ले रहे हैं? ये तो एक तिहाई प्रधानमंत्री, कोई नैतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, और व्यक्तिगत उनकी हार है। तो एनडीए की गिनती बदल जाने का कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को कहां से मिल रहा है, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको वो सवाल बताते हैं जिसका कि जवाब आपको देना है। पहले एक बार वो सवाल देखते हैं, फिर आज के एजेंडे पर और अब बात आगे बढ़ाएंगे। जरा दिखाइए, सवाल नंबर एक है कि नीतीश और नायडू के दबाव में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या नहीं लाएंगे? और ऑप्शन है नीतीश और नायडू का कोई दबाव नहीं, और ऑप्शन बी है मोदी हर कीमत पर यूसीसी लाएंगे, और ऑप्शन सी है मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। आप इस सवाल के जवाब में क्या सोचते हैं हमें बताना शुरू करिए। हम दिखाते हैं आपको सवाल नंबर दो, और सवाल नंबर दो है कि क्या मोदी सरकार 5 साल पूरा कर पाएगी, और ऑप्शन है जरूर 5 साल जरूर पूरा करेगी, और ऑप्शन बी जैसे तैसे 5 साल पूरा कर लेगी, और ऑप्शन सी इंडी वाले बीच में बहुमत जुटा सकते हैं, कुछ खेला कर सकते हैं। और सवाल नंबर तीन है मोदी सरकार पर गठबंधन के साथियों का कितना दबाव दिखता है आपको? हालांकि अभी शुरुआत है, फिर भी आप कैसे देखते हैं गठबंधन की सरकार और दबाव और मजबूरी को? जरा उसको उससे जुड़ा हुआ सवाल है। और ऑप्शन है आपके सामने मोदी पर कोई दबाव नहीं है, ऑप्शन बी है आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, अभी तो नहीं है लेकिन क्या मालूम, गठबंधन की सरकार है, आने वाले दिनों में हालात बदले, और ऑप्शन सी है मोदी को समझौता करना पड़ेगा। ये है तीन सवाल जिसका कि आपको जवाब देना है और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। और जवाब कैसे देना है ये आपको पता ही है कि आपके सामने जो टीवी स्क्रीन है उस पर QR कोड जो दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों का की लिस्ट खुल जाएगी, वही सवाल जो अभी हमने आपको बताए, और उसका जवाब भर के आपको उसे सबमिट करना है, और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरना है आपको, क्योंकि उसी के जरिए हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते। तो आप जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए, QR कोड स्कैन करना शुरू करिए, जवाब देना शुरू करिए, और हम लौटते हैं आज के एजेंडे। तो तीसरी जीत के बाद मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष को पता है
कि एनडीए की इस जीत में भी मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर। मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं और विपक्ष का कोई नेता उनके आसपास भी नहीं ठहरता। अपनी लकीर बड़ी करने में नाकाम विपक्ष अब मोदी की लकीर छोटी करके दिखाने में दिन रात जुटा हुआ है। इसीलिए कभी एक तिहाई पीएम तो कभी गठबंधन में दरार की का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के नैरेटिव में गजब का विरोधाभास दिखता है। एक तरफ तो इंडी गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को एक तिहाई प्रधानमंत्री बताते हैं, उनकी सरकार को बैसाखी वाली कमजोर सरकार साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रालयों के बंटवारे के बाद इंडी गठबंधन के ही नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को झुंझुना थमा दिया, झुंझुना मंत्रालय दे दिया। बीजेपी ने अपने पास सारे बड़े मंत्रालय, गृह, रक्षा, विदेश, वित्त, रेलवे, बाकी सारे बड़े मंत्रालय रख लिए और सहयोगियों को छोटे छोटे विभाग देकर निपटा दिया। अब इंडी वालों को आपस में यह तय करना पड़ेगा कि मोदी एक तिहाई पीएम है या ताकतवर पीएम। अगर वो एक तिहाई पीएम है तो उनकी इतनी कैसे चल रही है कि वो जो चाह रहे हैं वो गठबंधन की सरकार में हो रहा है, और अगर वो ताकतवर पीएम है तो फिर एक तिहाई पीएम कैसे कहा जा रहा है उनको? इस सवाल का जवाब देना चाहिए उनको। विपक्षी खेमे में कंफ्यूजन की एक और वानगी देखिए। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे जनता का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन बोलते बोलते यह भी बोल दिया कि प्रियंका वाराणसी से उतर जाती तो मोदी जी को 1.5 लाख वोटों से हरा देती। सवाल है कि कांग्रेस को ऐसा करने से किसने रोका था और राहुल को यह कॉन्फिडेंस चुनाव के पहले क्यों नहीं आ रहा था? तब तो प्रियंका को छोड़िए, वो खुद भी उत्तर भारत की किसी भी सीट से लड़ने को तैयार नहीं थे। कितनी तो मान मनोवल हुई और उसके बाद रायबरेली से लड़ने को तैयार हुए थे। अब वही बात कह रहे हैं कि हमारे यहां एक कहावत है कि मामा को मूछे होती तो मौसी होती। मजेदार बात यह है कि जब राहुल ये कह रहे थे तब पार्टी के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय भी मंच पर ही मौजूद थे। राहुल ने खड़े खड़े अजय राय को भी कमजोर उम्मीदवार साबित कर दिया। अब रही बात गठबंधन सरकार के कमजोर या मजबूत होने की, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब अपना चार्ज संभाला उसके बाद उन्होंने बयान दिया है, ताजा बयान है, सुनवाता हूं आप और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी यह सरकार अभी भी उसी दमखम से चल रही है। और मोदी के सरकार के एजेंडे में पहले भी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वन नेशन वन इलेक्शन था, और वो आज भी है। जरा सुनिए, महत्वपूर्ण कानून बने हैं, आप लोगों ने कमिट किया है कि यूसीसी को भी लाए लेकर आएंगे, तो क्या आने वाले दिनों में हमें यूसीसी कानून बनते हुए भी दिखेगा आपके मंत्रालय? देश देख रहा है ना, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था, गोवा में आपको लागू होते हुए दिख रहा है, उत्तराखंड में भी लागू होते हुए दिख रहा है, देश देख रहा है। अब तो न चाल बदली है न चरित्र, और चेहरा तो खैर वही है ही, फिर एक तिहाई वाला वार कहां टिकता है आप खुद सोचिए। और फिर मोदी अगर एक तिहाई पीएम हैं तो बाकी के दो तिहाई प्रधानमंत्री किधर हैं भाई? रमेश बाबू को यह भी बताना चाहिए, अगर पीएम मोदी एक तिहाई हैं तो उस हिसाब से जयराम रमेश कितने हिस्से वाले प्रधानमंत्री के मंत्री थे, यह हिसाब भी उनको लगा लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जरा एक बार पहले परिचय करा दें आपसे, नीति जैन प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित, सवाल सबसे पहले आपसे कि प्रधानमंत्री एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, एक तिहाई प्राइम मिनिस्टर हैं या मजबूत प्राइम मिनिस्टर, पहले तो आपस में आप लोगों को बैठ के तय कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जयराम रमेश कहते हैं कि वो 1/3 पीएम हैं और दूसरी तरफ सारे आप ही के पार्टी के और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई देखो सहयोगियों का तो कोई लोड ही नहीं ले रहे हो, जो चाह रहे हैं वो मंत्रालय दे दे रहे हैं। रविंद्र कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय राजनीति जो है वो एक मैं के सराउंडिंग हो गई। मोदी जी मोदी जी, मोदी सेंट्रिक सरकार, मोदी जी की गारंटी, सब कुछ मोदी जी मोदी।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं नहीं हम चलता है, लेकिन मैं ज्यादा किया गया। तो आज जो आप बात कर रहे हो ना, इसी क्रिएशन क्यों हो रहा है कि मोदी जी चुनाव मोदी का मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ मोदी की गारंटी में देता हूँ। तो चुनाव में जब आप 400 पार नहीं कर पा रहे हो, आपकी 240 ही रह गई, और आप बनारस में बड़े कम मार्जिन से जीते हो, तो ये तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में आ चुका। मैंने आपको कई बार कहा था विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं और मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, वो चुनावी रिजल्ट आया जो आप कह रहे हो। अब बाद में क्यों पता लगा सब लोगों को? मैंने तो पहले कहा था आपको कि विपक्ष में अगर विपक्ष जो है मजबूत कैंडिडेट लड़ा था, तो 4 जून को दुखी होगा विपक्ष कि हमारी सीटें और ज्यादा आती है। अरे तो मजबूत मजबूत कैंडिडेट लड़ाने से किसने रोका था भाई विपक्ष को? भाई वरुण पुरोहित मजबूत कैंडिडेट देने से क्या बीजेपी ने आपको रोक दिया था क्या? क्या कमाल की बातें करते हैं आप कहते हैं कि मजबूत कैंडिडेट देता तो मजबूत कैंडिडेट क्या चांदवान से मंगवाते? कहीं से आप इंपोर्ट करते क्या? मजबूत कैंडिडेट तो वही देंगे होंगे ना जो आपकी पार्टी के लोग होंगे, तो उनको क्यों नहीं लड़ाया आपने? और वो कौन से मजबूत कैंडिडेट थे जरा उनका नाम भी दो चार का बताइए हमें। मेरी बात तो सुनो, मेरे को तो कर लेने दो। मैं कह रहा हूँ आपने जो कहा मैं 3 महीने से कह रहा हूँ, आपने सुना होगा। तो मोदी जी का थर्ड टर्म जो है वो विपक्ष के कारण है, मोदी जी खुद स्वयं नहीं जीत रहे। विपक्ष अगर सही कैंडिडेट लड़ा था तो मोदी जी थर्ड टर्म नहीं कंटिन्यू करते, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने बात की सही कैंडिडेट लगाने से किसने रोका था वरुण पुरोहित? तो क्या विपक्ष को किसी ने रोक दिया था कि नहीं भाई आप अच्छे कैंडिडेट मत दो, आप सारे आपके यहाँ जितने भी खराब कैंडिडेट हैं सबको उनको उतारो? भाई अब जब उनका जो आपके यूपी के पार्टी के अध्यक्ष उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, अगर आप उनको भी चुनाव लड़ाने योग्य नहीं समझ रहे, उनको भी आप योग्य कैंडिडेट नहीं समझ रहे, तो आपकी पार्टी में फिर तो राहुल और प्रियंका के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं बचता है। अब आप सुनना नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूंगा बताओ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब होना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट का मतलब क्या है? दे रहा हूं। क्यों नहीं दिया अच्छा कैंडिडेट? खुल के बोला ना कि विपक्ष नहीं दे पाया। हाँ, नहीं दे पाया, ये बात है। तो ये बोलिए ना कि हम अच्छे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। नहीं, नहीं बहुत है, बहुत है, बहुत है कैंडिडेट अच्छे, बहुत है। जब तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है, कांग्रेस से ले लेके लोग ने। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस में पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल डेप्थ से काम करते ये, तो मोदी जी नहीं है। ये अब आप ये तो वरुण पुरोहित आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं लेकिन हम नहीं दे पाए। भाई तो अच्छे कैंडिडेट क्या उनका क्या करने का इरादा है? मतलब कोई मुरब्बा अचार वगैरह लगाया जाता है क्या अच्छे कैंडिडेट का? क्या किया जाता है भाई अच्छे कैंडिडेट का? उनको चुनाव ही लड़ाने के लिए तो अच्छे कैंडिडेट होते हैं ना, तो क्यों नहीं दिया? मुरब्बा बना दिया जब भी तो मोदी जी गुलगुले खा रहे हैं, नहीं तो मुरब्बा नहीं बनाते हैं। वर्कर का है तो मोदी जी गुलगुले कहां से खाते? दूसरी बात, आपने कहा चाल चरित्र वैसा ही रहेगा, मोदी जी स्ट्रांग रहेंगे। अगर मोदी जी स्वभाव में अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदलेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। नीति जैन, तो भाई अगर ठीक है, अब अगर विपक्ष अपने अच्छे कैंडिडेट का मुरब्बा अचार लगाएगा तो पीएम मोदी गुलगुले खाएंगे ही, तो आपने खाने का मौका दिया है तो खा रहे हैं। नीति जैन, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरा विपक्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। मुझे लग रहा है उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा उनकी इतनी सीट भी कैसे आ गई। ये लोग खुशी मना रहे कि इन लोगों की, ये लोग फेल नहीं हुए लेकिन हमारी डिस्टिंक्शन नहीं आई, इसका इन लोगों को दुख हो रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को, मोदी जी का इन लोगों को पता नहीं है कि मोदी जी ने जो भी फैसले लेने हैं वो फैसले होंगे। हमारा जितना भी अलायंस है वो हमारा अलायंस आज का नहीं है, आप लोगों की तरह नहीं, हमने भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ा था। हमारा ये अलायंस 1990 से चलता आ रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल अलायंस। और हम लोगों के अलायंस, आप लोग जितनी शिकायतें कर रहे हो, हमारे किसी अलाय ने आकर बाहर बोला कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ? किसी ने कुछ नहीं बोला ना। हम लोगों को जितने काम करने थे फार्मर्स के लिए मोदी जी ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, आवास योजना के लिए ऑलरेडी साइन कर दिया है। कहाँ से आपको लग रहा है कि हम लोग पीछे वाली विकेट पर हैं कहीं से भी? तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जितना आप लोगों ने जितना एक मिस इन्फॉर्मेशन वाला अपना कैंपेन चलाया था, उस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ फायदा हो। लेकिन मोदी सरकार जितनी स्ट्रांग थी उतनी आगे के लिए भी है। अगले 5 साल हम लोग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निर्णय लेने वाले। ठीक है नीति जैन। हाँ तो नीति जैन कह रही है कि भाई बहुत स्ट्रांगली सरकार चलेगी और 5 साल चलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासकर के अखिलेश यादव को, लग रहा है कि गिनती कभी भी बिगड़ जाएगी। राजकुमार भाटी,
ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है अखिलेश यादव? नहीं, आपने शुरू में तीन सवाल उठाए, मैं बहुत संक्षेप में तीनों को जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, एक तिहाई प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नीतीश और नायडू जी की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। जैसा कि वरुण पुरोहित ने कहा कि ये अब मोदी सरकार नहीं है, ये ना मोदी सरकार है, ना भाजपा सरकार है, ना एनडीए सरकार है, ये एनएनडीए सरकार है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार है, ये नीतीश नायडू के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह। दूसरा आपने सवाल उठाया कि मोदी की हार क्यों मान रहे हैं, मोदी की हार इसलिए मान रहे हैं, मोदी जी ने नारा दिया था कि बीजेपी 370 और बीजेपी क्या आई 240, यानी 133 सीटें कम आई हैं जो मोदी जी चाहते थे, जो मोदी जी ने देश से मांगा था, जो मोदी जी को उम्मीद थी, मोदी जी की अपील को जनता ने नकार दिया। उन्होंने 370 सीटें मांगी थी, उन्हें 240 दी, 133 सीटें कम दी हैं। दूसरे, वाराणसी में मोदी जी 2019 में जीते थे 5.5 लाख वोट से, इस बार खींच खाच के 1.5 लाख वोट से जीते हैं जैसे तैसे करके। अगर वहां मैं वरुण जी की बात से सहमत हूं, थोड़ा सा और ताकत लगाई जाती तो मोदी जी इस बार चुनाव हार गए थे। तीसरी बात कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री कैसे हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कमजोर प्रधानमंत्री हैं? और ये आपने अभी पूछा, अखिलेश जी कह रहे हैं गणित बिगड़ेगा, गणित इसलिए बिगड़ेगा कि मोदी जी पूरे चुनाव ये कहते रहे अपने भाषणों में कि जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देंगे, तब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं होगा इस सरकार में कोई इस तरह। और हाँ, इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण लागू करेंगे, हर मुसलमान को 60 की उम्र के बाद पेंशन देंगे, मुसलमानों को ब्याज रहित ऋण देंगे, हर शहर में ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे। तो या तो मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे या नायडू को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, और जी तो नहीं, ये आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना राजकुमार भाटी। अब पहली बात है, अब आपके हिसाब से अब आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। केवल दस सेकंड। हाँ ठीक है, केवल 10 सेकंड। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए। नीतीश जी सीएए के, यूसीसी के और अग्निवीर के विरोधी रहे हैं, वो तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी उन्हें वापस लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, ठीक है। अब हमको अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 240 सीटें लाकर अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो एक तिहाई की सरकार है और एक तिहाई वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 145 सीट लाकर और 20 से ज्यादा सहयोगियों के साथ, तो किसकी सरकार थी? वो दहाई सरकार थी। कौन सी सरकार थी कि दशमलव वाली सरकार थी, उसको कौन सा सरकार कहेंगे? और भाई आज भी 240 जितनी सीटें आई है, आप सबको मिलाकर उतनी सीटें नहीं आई भाई, सच तो यही है ना, 6 सीटें अभी भी कम है उससे सबको मिलाकर। देखिए तो आपका आंकड़ा कहां बैठता है, ये भी तो सोचना चाहिए ना रणजीत जी। पहली बात नहीं, दूसरी बात नहीं, मैं आपने जो दो बातें कही ना, दो तीन बातें, मुझे लगता है कि उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि भाई अगर किसी को दहाई और सैकड़ा कर देना है तो एक अलग बात है, लेकिन सच तो ये है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। और रही बात कि आपने मांगा कितना और मिला कितना, तो आप भी तो 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि क्योटो भी जीत रहे हैं, तो क्योटो जीत गए क्या है? तो 80 में 79 कंफर्म कह रहे थे, जीते तो नहीं ना। तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, हाँ एक तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपका गणित बहुत कमजोर है, दहाई का आंकड़ा 10 पे हो जाता है। हाँ भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, का आंकड़ा नहीं कर पाई मैं, कह रहा हूं तिहाई, अगर आप इनको तिहाई वाले कह रहे हैं तो 145 वाले को क्या कहेंगे? यही सवाल तो मैं कह रहा हूं आपको, 240 वाले को आप तिहाई बोल रहे हैं। तिहाई का आंकड़ा आपको जयराम रमेश को सिखाना चाहिए कि 180 तिहाई होता है, 240 तिहाई नहीं होता है राजकुमार भाटी, ये जयराम रमेश को सिखाइए आंकड़ा। दूसरी बात, मौसम बदलने का यह सबूत है कि जिस प्रधानमंत्री की तुलना पंडित नेहरू से की जाती थी, आज उनकी मनमोहन सिंह से की जा रही है, ये मौसम बदलने का संकेत है। मनमोहन सिंह की सरकार भी गठबंधन सरकार थी, वो भी बैसाखियों पर टिकी हुई थी, मोदी जी की सरकार भी बैसाखियों पर टिकी हुई है, ये भी गठबंधन सरकार। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य के पास चलेंगे भाई, कि एक तरफ सरकार बन गई, सरकार जैसे काम करना चाहिए, कमोबेश उसी तरीके से सरकार काम कर रही है जैसे पिछली सरकार चल रही थी। मुझे लगता है कि इस देश में जो जिन लोगों ने भी सरकार का चेहरा देखा है, कम से कम उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो सरकार गई थी वही सरकार आई है। लेकिन जरा देखिए कि टीएमसी, खास करके ममता बनर्जी की नफरत की इंतहा है कि जब
यहां शपथ ग्रहण चल रहा था तो आपने लाइट ऑफ कर दिया, आप मतलब इसको क्या कहेंगे, विरोध है या नफरत है, क्या है? नहीं रंजीत जी, पहले तो ये जानते हैं ये सारी जो बातें हैं कि लाइट ऑफ करके बैठे थे, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, ये सारी वो एग्जैजरेशन है जो सागरिका जी ने जो है उसको ये व्यक्त करने के लिए कि ममता दीदी इसमें दुखी थी, उस बात को व्यक्त करने के लिए शी वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, उनको थोड़ा सा उनको अतिशयोक्ति की कहीं ना कहीं, तो ये सारी बातें ही हैं। और इनका महत्व जैसे आपने कहा एक तिहाई के प्रधानमंत्री, इन सब बातों का महत्व उतना ही है जैसे कि आपके घर में घुस के आपका मंगलसूत्र छीन लेना या तीन भैंसों में से एक भैंस ले जाना, ये सारी बातें। लेकिन अहम जो आप ही के सवालों में से बहुत अहम सवाल यह है कि बात यह है कि शायद एक तिहाई के प्रधानमंत्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले जो दो टर्म्स इनके रहे तो उसमें जो हम लोगों ने जिस प्रकार के उनके डिसीजंस मोदी जी के आते देखा, जैसे कि रात के 12 बजे नोटबंदी हो जाती है, अचानक रात के 12 बजे आते हैं पूरा लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है और उसका कितना लंबा टाइम चलता है, कभी कोई प्लान या डिस्कस वे में या विपक्ष की बात छोड़ देते हैं चलिए, अपने एलाइज तक को साथ में नहीं लिया जाता था। तो बात यह है कि अब शायद हर एक चरण पर हर एक डिसीजन पर एक तिहाई डिसीजन मोदी जी का होगा और दो तिहाई का इंपैक्ट जो है वो उनके सहयोगी दलों का रहेगा, ये शायद कहने का यहाँ पे ज्यादा अच्छा मकसद रहेगा इस तरीके से अगर बात को रखा जाए। तो बाकी चीजें देखिए उस हिसाब से तो दो तिहाई पोर्टफोलियो में दो तिहाई विभाग भी जाना चाहिए था उनके पास, दो तिहाई अच्छे विभाग भी उनके पास जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ आप लोग माहौल बना रहे हैं कि सहयोगियों को तो झुंझुना मंत्रालय दे दिया। तो भाई सवाल यह है कि अगर इतना ही दबाव होना है और इतना ही दबाव तो दबाव दिखना चाहिए ना, वो दबाव तो नहीं दिख रहा कहीं। नहीं रंजीत जी ये हाँ। दबाव तो तब दिखेगा जब ऐसे कोई मेजर डिसीजंस आते हैं। हाँ। अभी जैसे आपने कहा यूसीसी का अगर आ जाता है तो विभाग का बंटवारा मेजर डिसीजन नहीं है, सरकार में कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये आपको लगता है कि ये मेजर डिसीजन नहीं है शुभंकर भट्टाचार्य? रंजीत जी पूरी बात को सुने, आप उसको बेशक टोकिएगा, आपको मैं आपकी पत्रकारिता से वाकिफ हूं, आप लखनऊ में भी यहां पे बैठते थे, मैं उस समय से आपके साथ हूं, तो मैं जानता हूं कि आप चीजों को न्यूट्रल वे में देखने के काबिल हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक बात को कह रहा हूं कि देखिए निष्पक्ष तरीके से अगर सोचा जाए तो वो जो पहले तरीके से एक डिक्टेटोरियल जो डिसीजंस आते थे जो उनका बिल्कुल उनकी जो स्वयं प्रभुता है वही से दिखाती थी, अब वो डिसीजंस में कम दिखाई देंगी, वो सब चीजें जब यूसीसी लागू होगा तब आपको समझ में आएगा। ये, बड़ी चीजें अभी बात है कि पोर्टफोलियो ये बात करने का तरीका हो सकता है, ये आप जो कह रहे हैं ये सही तरीका हो सकता है, मामले में टीडीपी का पूछा जाएगा कि भट्टाचार्य इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई एक अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ एक पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, ये इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको 1/3 PM या इस तरह की बातें कहना वो एक तरीके से मैं समझता हूं कि एक ऐसी कोशिश है जो कि गलत तरीके से चीजों को पेश करने की कोशिश हो रही है। ममता काले कैसे देखते हैं आप इस पूरे नैरेटिव को, ये 1/3 वाला नैरेटिव क्यों लेकर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गिनती कभी भी बदल जाएगी, तो क्या लगता है आपको ये सब नैरेटिव कैसे क्यों चलाया जा रहा है? रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी, पहले 2-3 कहावतें इनको समर्पित कर देती हूँ कि मैं कौन खाम खा और खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे। अभी ये मेरे भाई लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा एनडीए की जो सरकार बनी है उसके अंदर, ये बोल रहे हैं इस तरीके से हो जाएगा उस तरीके से हो जाएगा, मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, ये निर्णय नहीं हो पाएंगे। अरे भैया आप बैठे हुए क्या सरकार के अंदर, हम बनाएंगे सरकार, सरकार बन गई है और सरकार बनते ही पहले दिन मोदी जी ने जैसे ही कुर्सी पर बैठे सबसे बड़ा और बड़ा एक्शन ले लिया कि नहीं लिया, इन लोगों को शायद दिखाई नहीं होगा कि पीएम किसान आवास जो किसान सम्मान निधि है वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो गई है, और उसी दिन शाम को जब कैबिनेट की बैठक हुई पहली कैबिनेट की बैठक तो उसमें 3 करोड़ घर जो ग्रामीण और शहरी लोगों को देना है वो भी निर्णय हो गया। तो क्या नहीं दिख रहा है कि ये कितने महत्वपूर्ण निर्णय है, 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान जो निधि है उसको डिस्पर्स कर दिया,
लेकिन परेशानी ये है इन लोगों की जो बोल रहे हैं ना कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना दे दिया झुंझुना। अरे रंजीत जी ये भूल गए कि ये जो बोल रहे थे ना झुंझुना वाले भाई साहब जो टिकट विकेट ब्लैक किया करते थे, उन झुंझुने वाले भाई साहब को मैं ये याद दिला दूं कि उनको दिया है दिल्ली और पंजाब की जनता ने बाबा जी का ठुल्लू और बोल दिया जेल मत वोट दे देना, मुझे जेल मत जाने देना, जनता ने बोल दिया कि बंदूवर जाओ जेल में बैठो। और जिनको सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये एक तिहाई प्रधानमंत्री का गणित ये कहां से लेके आए। फिर मैं बोलूंगी कि विपक्ष वाले जयराम रमेश जी वगैरह कौन से स्कूल से पढ़े हो भैया, ये कौन सी गणित सीख के आए हो, क्योंकि हमारे हिसाब से और पूरे भारतवर्ष के हिसाब से एनडीए को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है। राजकुमार मेरी व्यक्तिगत बातें भी होती हैं और आप तो इस चीज को अच्छी तरह के समझते हैं, समझा दीजिए ना अपने नेताजी को और अपने विपक्ष के तमाम जो घटक दल हैं उन लोगों को कि अब कोई फायदा नहीं है, हो गया जो होना था। भारतवर्ष की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अपना जो जनमत है वो दे दिया है, खत्म करिए। और हाँ एक चीज और बोल दे रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो कड़े निर्णय फैसले जो मोदी जी ने बोला था चुनाव से पहले वो होके रहेंगे। फिर बिल्कुल वो कड़े फैसले वाला जो सवाल है उस पर आते हैं, उस पे आते हैं, उससे पहले जनता का जवाब, उन सवालों पे आने के पहले जरा जनता का जवाब ले लेते हैं, देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमने तीन सवाल पूछे थे और जरा जरा उनकी उनका रुझान जरा दिखाइए क्या कह रहे हैं लोग। नीतीश और नायडू के दबाव में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या नहीं, ये हमने पहला सवाल पूछा था और इसके जवाब में करीब 40% लोग कह रहे हैं कि नीतीश नायडू का कोई दबाव नहीं चलेगा और 57% लोग कह रहे हैं कि मोदी हर कीमत पर यूसीसी लाएंगे, लोगों का विश्वास देखिए, और सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि मोदी को पीछे हटना पड़ सकता है। तो ये है लोगों की राय। सवाल नंबर दो भी दिखाइए, क्या मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी, जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 93% लोग कह रहे हैं कि जरूर 5 साल पूरा करेगी और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं करीब करीब जो ये कहते हैं कि जैसे तैसे 5 साल पूरा करेगी, और 1.8% लोग कहते हैं कि इंडी वाले बीच में बहुमत जुटा ले सकते हैं। तो ये है लोगों की राय, लोगों का परसेप्शन कि सरकार की मजबूती और कमजोरी का जब सवाल उठ रहा है तो उसमें लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरे सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, मोदी सरकार पर गठबंधन के साथियों का दबाव दिखता है क्या, अभी से उसकी शुरुआत हो गई है क्या। तो इसके जवाब में लोग कह रहे हैं 84% कि मोदी पर कोई दबाव नहीं चलेगा, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 11% लोग हैं और 4% लोग कहते हैं कि मोदी को समझौता करना पड़ेगा। तो ये है लोगों की राय, और अब जरा इस लोगों की राय को शामिल करते हुए चलते हैं उस सवाल पे वरुण पुरोहित के पास। वरुण पुरोहित, सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके एजेंडे में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन था और वो अब भी, आप इसके खिलाफ चुनाव लड़े थे उसके बावजूद मैंडेट मिला और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है, क्या कहना है आपका? रंजीत कुमार जी, मैंने आपको पहले भी कहा ये अपने उसी एजेंडे पे रहेंगे, रिजिड रहेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और आप कह रहे हो समझौता तो हो ही गया, जब ही तो नायडू और नीतीश कुमार से साथ मिलकर बनाए, उसके बाद मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो गई, तो मोदी की गारंटी हो रही थी, ये हो रही थी, वो बोले देंगे मोदी की गारंटी है, नहीं बोले नहीं पाएंगे। मैं आपको मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो, लोकतंत्र में मानी जाती है, आप मेरी बात को सुन लो, मैं आपके सर्वे पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बदला, जैसे केमिकल केमिस्ट्री में होता है अपनी प्रॉपर्टीज अगर ये नहीं बदलेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और अपने एजेंडा क्या करेंगे, पूंजीवाद को बढ़ाएंगे, निजीकरण को करेंगे, आप सड़कों पर आएंगे लोग, आप कैसे कर लोगे, और अलाइज तो भागेंगे, जो अभी इनकी बीजेपी की प्रवक्ता सम्मान नहीं कह रही थी आदरणीय, 1990 से हमारे अलाइज है भाई, आप जो अलाइज तो उसको 1990 में पहुंचा दिया आपने, अकाली दल को शिवसेना को पता नहीं क्या कर दिया उन सबका जो आपके साथ थे शुरू से। दूसरा जो डर है इनको, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये डर है आपको, ऐसे नहीं चलेगी सरकार आपकी, इस एटीट्यूड के कारण आपकी सरकार नहीं चलेगी, ये जो आपकी एटीट्यूड है इससे सरकार नहीं चलेगी। रंजीत कुमार जी, ये जो इनका एटीट्यूड चल रहा है ना, दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की सुनो मत, इस मानसिकता के कारण इनकी सरकार नहीं चलेगी। मैंने आपको कहा, इन्होंने प्रूव कर दिया टीवी के ऊपर, सरकार नहीं चलेगी क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। वरुण पुरोहित, आपने आपने 145 और 206 पे सरकार चला ली लेकिन 240 वाली सरकार नहीं चलेगी, अगर आपको याद हो तो बता दीजिए कि आखिरी बार 240 कब आई थी आप? नहीं, आपकी आखिरी बार 240 कब आई थी? मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो,
अटल जी और मनमोहन सिंह जी मैं नहीं करते थे, रिजिट नहीं थे, हमसे चलाई थी सरकार कि भाई 240 वाली सरकार नहीं चलेगी, आपकी 145 वाली 206 वाली चल रही थी। अब आपको ये भी नहीं, अब आपको अगर याद हो तो बता दीजिए कि 200 की आखिरी बार 240 कब लेकर आए थे आप। अरे भाई मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट सेकंड टर्म में ज्यादा सीटें आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का पदार्पण हुआ था राजनीति। कितनी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितनी? ये जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए बैठा है आपको? नहीं, जनरल नॉलेज टेस्ट ज्यादा से बता है कि 220 आई थी, 230 आई थी, आपको बताने के लिए आप 201 एक एजेंडा चला दी। 206 सीटें आई थी, मोदी जी का गारंटी फेल हो गया था इस चुनाव में, मोदी जी का ग्लैमर फेल हो गया, इसलिए आप ऐसा क्रिएशन करे जा रहे हो, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग है। अरे मोदी जी तो हार गए, मैं तो आदमी कह रहा था मेरी गारंटी, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूँ कि भाई पहली बार में 145 और दूसरी बार में 206, फिर भी आपकी 5 साल चल गई और खूब चल गई है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 240 वाले की नहीं, 240 वाले की तो एक साल में 232 में, सुनिए 232 सीटें आपको आई 1991 में, वरुण पुरोहित याद करिए, 1991 में आप पॉलिटिक्स में थे भी या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कम से कम मैं पत्रकारिता में नहीं था, ये मैं बता रहा हूं आपको, तब आपकी 232 सीटें आई थी 1991 में, ठीक है ना, तब भी 240 रही थी, 240 नहीं थी। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो भाई? मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जब आप 1991 से लेकर अभी तक 240 कभी नहीं ला पाए और आप 4 बार सरकार बना लिए, जो 240 लेकर आया उसको एक तिहाई पीएम कह रहे हैं आप? जो 240 लेकर के आया विपक्ष के कारण लेकर आया, उसमें अधिकांश 50 सीटें कम से कम कांग्रेस बैकग्राउंड की होंगी, कांग्रेस बैकग्राउंड के साथ होंगे, आप टोटल कर लेना। राजकुमार बाटी, फिर तो विपक्ष को जो है वो जब सेलिब्रेशन हो रहा था बीजेपी का तो उसमें शामिल होना चाहिए था, आपको क्रेडिट लेना चाहिए था कि भाई आपकी जीत में हमारा भी योगदान है और इसमें इसमें आपको उस खुशी में शामिल होना चाहिए था। वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की वजह से आया, आप लोग उस सेलिब्रेशन में गए ही नहीं, ममता दीदी तो जो है वो लाइट ऑफ करके बैठ गई गुस्से में, गजब है भाई। वरुण पुरोहित बहुत विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं इसलिए उनकी बात को तो खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि हमारी जो सीट आई है इंडिया गठबंधन की, उसमें आपका योगदान जरूर है, रणजीत कुमार का, टाइम्स नाउ का, उसमें भारी योगदान है। आप जो इस तरह के एक तरफा रिपोर्ट दिखाते हैं नी, और एक तरफ ऑडियंस पोल दिखाते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को अपनी कमियों का पता नहीं चलता। नहीं, मैं कह रहा हूं आप उन्हें भ्रम में बनाए रखते हैं, उन्हें लगता है हमारी तो जय जय हो रही है सारे में, इसी तरह आप पूरे चुनाव दिखाते रहे, उनके 400 के आसपास सीटें दिखाते रहे और उनके जमीन खिसक चुकी थी, अगर आप इन्हें आईना दिखाते तो हो सकता है ये थोड़े और चौकस हो जाते और हमारी कम सीट हो जाती। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खुशी है हमें वो इस बात की है कि अब हमें रात को 8 बजे टीवी देखते हुए डरने की जरूरत नहीं है, अब 8 बजे आके मोदी जी अचानक कोई ऐसी घोषणा नहीं कर पाएंगे कि आज से नोटबंद किए जा रहे हैं, या आज कृषि बिल लाया गया, या आज जो है लॉकडाउन कर दिया गया, अब मोदी जी उस तरह के तानाशाही पूर्ण निर्णय नहीं ला पाएंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है, ठीक है, नीति जैन, सबसे बड़ा नीति जैन, आपको आपको कम से कम अपने सेलिब्रेशन में बुलाना चाहिए था भाई, विपक्ष के, आपकी जीत में विपक्ष का भी बड़ा योगदान रहा, उनके पास इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, जानबूझ के उन्होंने नहीं दिया मोदी जी के खिलाफ, आपके आपके बाकी नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कि भाई इनको जीत जाने दो, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, बाद में देखेंगे, फिलहाल इनको जिताना जरूरी है। रंजीत जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जीते हैं अपने काम के बलबूते पे जीते हैं, हम लोगों का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग बाहर गए थे, लेकिन आज मुझे इस चीज की बड़ी अचंभा हो रहा है कि आज ये मीडिया के बड़े तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कम से कम अपनी कैंपेन की शुरुआत ही बॉयकॉट से की थी मीडिया के, कितने जर्नलिस्ट थे जिनको बॉयकॉट कर दिया गया था, क्या अब हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, आज ये बोल रहे हैं कि भाई आप ही हम लोगों को गलत आईना दिखा रहे हैं और आप हमको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, तो वो एक चीज है, लेकिन इन लोगों को किसी ने मना नहीं किया था कि अपने कैंडिडेट्स आप आगे रखिए, वो आज बोल रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा अगर बनारस से लड़ती तो भैया किसने मना किया था, किसने रोका था उनको लड़ने के लिए, उतारना चाहिए था ना, इतना कॉन्फिडेंस पहले ममता काले से। क्लोजिंग कमेंट ममता काले से, भाई मोदी जी के जीत में विपक्ष के इस योगदान पे आपका एक क्लोजिंग कमेंट दीजिए और थैंक यू करते हैं इस चर्चा का। हाँ, मैं तो
रंजीत जी, मैं तो विपक्ष के मुखार बिंद से ये बातें सुनकर के बड़ी गदगद हो गई हूँ, और मुझे ये लगता है कि इनको ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ेंगी पहले तो ये समझने की कि जो नंबर इनके पास आए वो कम है नंबर। और दूसरी जरूरी बात, राजकुमार भाई आप कह रहे थे ना कि अब कड़े फैसले नहीं लेंगे मोदी जी और अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बात बता दूं मैं, जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानती हूँ, जितने भ्रष्टाचारी हैं इस देश के अंदर बैठे हुए, चाहे वो कोई भी ठीक है आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ पा रही है अभी। हाँ, तो वक्त भी हमारे पास नहीं है, मूड मीटर में आप सब लोगों का, आप लोग शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पास वक्त इतना ही था, आप जल्दी से